सिक्योर्ड एंड वेल्थी टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हो ब्लू चिप स्टॉक्स क्यों इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और क्यों इन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स ही कहा जाता है? क्यों इन्हें रेड चिप स्टॉक्स या ग्रीन चिप स्टॉक्स नहीं कहा जाता? क्या होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स? ब्लू चिप स्टॉक्स में क्यों निवेश करना चाहिए? एक निवेशक के लिए ब्लू चिप स्टॉक कितना सुरक्षित हो सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे और साथ में निवेश करने लायक कुछ क्वालिटी और बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटे लेवल पर खेले जाने वाली गेम पोकर, जो कि एक गैम्बलिंग गेम है, उसमें टोटल 3 कलर्स की चिप्स यूज की जाती है, व्हाइट चिप्स, रेड चिप्स और ब्लू चिप्स, जिसमें व्हाइट चिप्स की वैल्यू होती है $1, रेड चिप्स की वैल्यू होती है $5 और ब्लू चिप्स की वैल्यू होती है $10। और क्योंकि पोकर में सबसे ज्यादा वैल्यू ब्लू चिप्स की होती है, इसलिए ईयर 1923 में मिस्टर ओलिवर गिनगोल्ड, जो कि डॉ जोन्स में काम करते थे, इन्होंने ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल पहली बार स्टॉक मार्केट में किया और तब से लेकर आज तक पूरे वर्ल्ड में ब्लू चिप स्टॉक को एज अ स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं क्या होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। दोस्तों, ऐसी सारी कंपनीज जो वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल कैपिटलाइज्ड होती है, अपने सेक्टर में लीडर कंपनी मानी जाती है और जो बड़े लेवल पर बेहतरीन से बेहतरीन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऐसी सारी कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है और इन कंपनीज के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स क्यों इतने अट्रैक्टिव होते हैं? वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट कैप होने की वजह से ऐसे स्टॉक्स को बहुत ही सेफ माना जाता है। ये काफी स्टेबल होते हैं, तेजी से नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही कम रिस्की माने जाते हैं। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से ये काफी प्रॉफिटेबल भी होते हैं। लंबे समय में इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने में भी ये काफी सक्षम होते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का विश्वास इन कंपनीज में कायम रहे। चलिए अब जानते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्वेस्टर्स में ब्लू चिप स्टॉक्स की काफी ज्यादा डिमांड होने की वजह से इन स्टॉक्स को आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप चैन की नींद जरूर सो सकते हो। इन्हें तो बाय एंड फॉरगेट टाइप ऑफ स्टॉक्स भी कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने पर भी कोई चिंता या फिकर नहीं सताती। इन स्टॉक्स पर भरोसा करके हम आसानी से अपने इमोशंस पे भी काबू पा सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मार्केट फॉल के वक्त सबसे कम असर ब्लू चिप स्टॉक्स पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी में ब्लू चिप कंपनीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में हमारा निवेश कितना सेफ हो सकता है? दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदो और लंबे समय के लिए भूल जाओ। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, क्या निवेश करना इतना आसान हो सकता है? दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये मान लेना होता है कि वंस अ ब्लू चिप ऑलवेज अ ब्लू चिप। जरा याद करिए नोकिया, कोडेक, लेमन ब्रदर्स, DLF और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनीज को, जो एक समय अपने अपने सेक्टर्स में किंग मानी जाती थी। आज इन कंपनीज की क्या हालत है? DLF तो जैसे तैसे आज भी सरवाइव कर रही है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज का क्या? अब आपको ये डिसाइड करना है कि ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद कर भूल जाने के लिए कितने सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने लायक ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। हमारा पहला सेक्टर है FMCG, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या आप एज अ इन्वेस्टर ऐसी कंपनी का स्टॉक लेना चाहोगे जो आपके लिए लक्स, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलिन, किसान, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस जैसी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स बनाती हो, या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसकी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स है आशीर्वाद, बी नेचुरल, सनफीस्ट, कैंडीमैन, बिंगो, यिप्पी, होटल्स, पैकेजिंग बिजनेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लासमेट फुलस्केप्स, सुपीरिया, विवेल, सिगरेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम मैगी को कैसे भूल सकते हैं, किटकैट, मिल्क, दही, नेस्केफे जैसी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, या फिर हमारी सबसे जानी मानी कोकोनट ऑयल ब्रांड पैराशूट, सफोला, हेयर एंड केयर, निहार, लिवोन, सेटवेट, मेडिकर और रिवाइव जैसी ब्रांड्स बनाने वाली कंपनी। जरा सोचिए, ये सारी कितनी कंज्यूमेबल ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं।
क्या हम एज ए कंज्यूमर ऐसी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को कभी यूज करना बंद करने वाले हैं? क्योंकि मैं जिन महान कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड और मैरिको लिमिटेड, जो कि 4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। इनके अलावा FMCG में और दो जानी मानी कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैप 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिनका नाम है ब्रिटानिया और डाबर इंडिया। आगे अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो कुछ बेहतरीन कंपनीज आती है जिनके नाम है सन फार्मा लिमिटेड 1 लाख करोड़, पिरामल एंटरप्राइज 43,000 करोड़, डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड 43,000 करोड़, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड 42,500 करोड़, और अंत में आती है सिप्ला लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम ट्रीटमेंट या दवाइयां लेना बंद कर देने वाले हैं तो फिर इन स्टॉक्स को आप भूल सकते हो। अब तेजी से जमाना इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का होता जा रहा है, तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की। इस सेक्टर में जो 4 बेस्ट ब्लूचिप कंपनीज है उनके नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, वीप्रो और टेक महिंद्रा। दोस्तों, किसी भी देश का बैकबोन बैंकिंग सेक्टर को माना जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर में आने वाली जो हमारी बेहतरीन ब्लूचिप कंपनीज है वो है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे हम लग्जूरियस लाइफ की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसे में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करके पर्सनल व्हीकल्स ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो ऐसे में हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली बेहतरीन ब्लूचिप कंपनीज है 4 व्हीलर्स में मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2 व्हीलर ब्रांड्स में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, और अंत में रॉयल एनफील्ड एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर्स। इनके अलावा दोस्तों, कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करने लायक बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज फिनांस, एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी, गोदरेज कंज्यूमर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हैवेल्स इंडिया, टोरेंट फार्मा, L&T फिनांस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। आगे देखते हैं कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जीरोधा यूज करता हूं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए मेरा सबसे फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। अंत में बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, हम जिस तरह म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज के फंड को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में भी ब्लू चिप स्टॉक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। हमें कोई भी ब्लू चिप स्टॉक किसी भी वैल्यूएशन पे कभी नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद से एक बार अच्छे से उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हर समय सारे सेक्टर्स एक जैसे परफॉर्म नहीं करते, इसलिए हमारे स्टॉक के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करना सही रहेगा। और इन सारे ब्लू चिप स्टॉक्स में से जो मेरे सबसे फेवरेट स्टॉक्स है वो है मैरिको, इंफोसिस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एशियन पेंट्स, हैवेल्स इंडिया और टोरेंट फार्मा। दोस्तों, ये वही सारी कंपनीज होती है जो हमारे म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में इंक्लूड की जाती है। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज ही कुवेरा की मदद से कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे सारे मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।